ओके, तो पावर मिल जो है 2024 आ गए हैं, तो आज हम जो पहली वीडियो बनाने लगे हैं पावर मिल 2024 पे, इसमें अभी हमने जैसे ही खोला, अभी मैंने भी नहीं खोला, मैंने भी पहली बार ही खोला है, तो फर्स्ट लुक में तो ये बिल्कुल सेम ही लग रहा है, 22 23 24 है ना, मतलब यानी कि मेन लुक में कोई एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तकरीबन सेम ही है। तो सबसे अच्छी बात पावर मेल 2024 में ये हुई, खोलते ही कि हमने एक एनएक्स का मॉडल खोला, तो ये विद कोऑर्डिनेट सिस्टम एनएक्स का मॉडल जो है पावर मिल में खुल गया, यानी मुझे वर्क प्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एनएक्स में एक वर्क प्लेन बना हुआ था, वो भी जब हमने मॉडल इंपोर्ट किया तो वो भी कन्वर्ट हो गया, हमने ना एनएक्स की फाइल को स्टेप में कन्वर्ट किया ना आईजीएस में कन्वर्ट किया, हमने सीधी एनएक्स की फाइल को ही ओपन किया। ठीक है, तो पहला फायदा तो यही हुआ, यही पहले फायदा, इसकी एक्सटेंशन भी देखो डॉट PRD। ठीक है, अब हम इसमें रफिंग करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक हम रफिंग के लिए एंड मिल यूज करेंगे 16 mm का, तो वो बना लिया हमने, टूल नंबर दे दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया एंड मिल 16, ठीक है, इसको होल्डर भी दे देते हैं, ठीक है, तो ये काम मेरा हो गया। एक टूल मुझे और चाहिए रेस्ट रफिंग के लिए, तो मैंने कहा जी मुझे 8 mm का टूल चाहिए, जिसका टूल नंबर 2 होगा, नंबर ऑफ फ्लूट 4 होंगे, और होल्डर भी देना है और इसका नाम भी देना है, ठीक है, स्पेस नहीं देनी कहीं पे भी, अंडरस्कोर लगा सकते, तो ये दोनों टूल जो है यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके इसको चेक कर सकते हैं, एक्टिवेटेड है, जो एक्टिवेट होता है बाय डिफॉल्ट वही आएगा टूल पार, तो पहले इसको एक्टिव कर है, लो, टूल आ गया, अब मैं इसके ऊपर टूल पाथ चला सकता हूँ, मॉडल एरिया क्लियरेंस, अगर रफिंग करनी है तो मॉडल एरिया क्लियरेंस ही चलेगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस में भी सब कुछ सेम आ रहा है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं नजर आ रहा, देखो वर्क प्लेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ब्लॉक हमने दे दिया है, टूल हमारा एक्टिव था 16 mm का तो 16 mm का आ गया, फ्लूट चेंज कर सकते हैं, मॉडल एरिया क्लियरेंस में ऑफसेट ऑल है, 1 mm का स्टॉक छोड़ा हुआ है हमने, अब फ्लोर पे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, अगर उस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अगर इस पर बंद कर देंगे तो ठीक दोनों जगह 1 1 mm मटेरियल छूटेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फ्लोर में नहीं छोड़ेगा, यहाँ साइड में स्टेप ओवर होता है टूल के डाई का 40 to 45 50% तक होता है, तो हमारा 16 का टूल है तो हम 7 8 तक स्टेप ओवर कर सकते, स्टेप डाउन होता है कि हमारे को हर बार कट कितने का लगाना है, तो 0.5 0.8 तक का कट लगा सकते हैं, अभी समझने के लिए सिर्फ हम 1 mm का लगा, क्योंकि ओके हमने ऑफसेट ऑल किया है तो हम यहाँ पे स्पाइरल की ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं कि टूल बार बार ऊपर ना उठे, नीचे को ही जाए, बराबर कोई भी अनसेफ सेगमेंट है नहीं इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, वॉल पे फिनिशिंग करनी है कि नहीं करनी, मैं कह जी कर दो, वैसे तो हमारी ऐसी प्रोफाइल है नहीं जहां पे जरूरत पड़े तो फाइनल स्टेप ओवर दे, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन कर देनी है ताकि अगर कहीं पे कोलिजन हो होल्डर का या शैंक का या टूल का तो वो हमारे को मैसेज दे दे,
और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टूल है होल्डर से 0.5 mm दूर रहे, शैंक से भी 0.5 mm दूर रहे, ताकि कहीं होल्डर भी टच ना होने पाए। रैपिड मूव में हमारे को कैलकुलेट कर देना है ताकि ये ज्यादा ऊपर ना जाने की बजाय एक थोड़ा सा ऊपर जाए, मतलब अगर एक पॉकेट से दूसरी जगह जाना है तो इस डिस्टेंस पे जाए। अभी मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है तो बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए वो 145-45 आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहेंगे जी फर्स्ट पॉइंट सेफ होना चाहिए भाई, जहां से टूल मेरा चालू हो वहां पे। ये लीड्स एंड लिंक्स जो है इसमें ये गॉज चेक ऑन होना चाहिए, यानी कि टूल एंट्री कैसे करेगा और टूल एग्जिट कैसे करेगा। तो मैंने कहा एंट्री करते हुए हमने इसको हॉरिजेंटल आर्क दे दी, ताकि एक आर्क की शेप में ऐसे अंदर घुसे। उस आर्क का रेडियस होगा, मैंने कहा जी 10 mm का रेडियस होगा, एंगल 45 डिग्री का होगा, और कैलकुलेट कर दी। तो जो टूल पाथ क्रिएट होगा उसमें टूल जब मॉडल के साथ पहली बार टच करेगा लीड इन में, तो वो एक आर्क की शेप में, हॉरिजेंटल आर्क की शेप में एंटर करेगा, ताकि मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग की जा सके। ओके तो जितनी देर ये टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है उतनी देर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम कौन कौन सा ऑपरेशन सीखना चाहते हैं या क्या चीज आपको नहीं आती, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, ये हमारा रफिंग का टूल पाथ है। ब्लू टिक आने का मतलब ये होता है कि हमारा कहीं पे भी कोलिजन नहीं हो रहा, सब कुछ सही चल रहा है। अगर हम इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम व्यू मिलिंग ऑन कर सकते हैं, जिससे हम 3D में देख सकते हैं इसको कटिंग कर पाओ। ठीक है, इसकी जो है फिक्स डायरेक्शन कर सकते हैं, रेनबो शेडिंग कर सकते। रेनबो शेडिंग जब हम इसको थोड़ी सी स्पीड स्लो करके प्ले करके भी देख सकते कि ये किस तरीके से कटिंग करेगी। ठीक है, ओके, एग्जिट। अब जहां जहां इसमें मटेरियल छूटा है उसके लिए मैं रेस्ट रफिंग करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसी टूल पाथ को यहां पे एडिट में जाके कॉपी टूल पाथ कर, तो इसी टूल पाथ के रेफरेंस से एक टूल पाथ और बन गया। अब इसमें इसकी सेटिंग में जाके मैं चेंज कर दूंगा कुछ चीजों को। टूल चेंज कर दिए सबसे पहले, मॉडल एरिया में रेस्ट मशीनिंग ऑन कर दिया, रेस्ट मशीनिंग में टूल पाथ बता दिया कि 1 नंबर का रेस्ट मशीनिंग करनी है, और यहाँ पे जो मटेरियल छोड़ा है इसको 0.1 कर दिया फिनिशिंग के लिए। स्टेप ओवर, क्योंकि हमने टूल छोटा कर दिया है तो मुझे स्टेप ओवर भी छोटा करना पड़ेगा, तो 3 का स्टेप ओवर कर दिया। स्टेप डाउन भी मैंने छोटा कर दिया ताकि
ज्यादा टूल छोटा टूल के ऊपर जोड़ना, बाकी सारी चीजें सेम ही कैलकुलेट करेंगे। कहता डू यू वांट टू कैलकुलेट, कहता थोड़ी सी टॉलरेंस को रिड्यूस करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 0.1 मटेरियल छोड़ने को बोल रहे हैं और 0.1 की ही टॉलरेंस बोल रहे हैं। तो कह रहा टॉलरेंस ठीक तुम्हारी बड़ी ज्यादा है, तो टॉलरेंस को थोड़ा सा कम करो। तो यहाँ पे हम टॉलरेंस 0.05 कर देंगे, अभी ये कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सिर्फ वहीं वहीं जाएगा जहां जहां मॉडल एरिया क्लियरेंस वाला टूल पाथ जो है नहीं गया था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, सम रीजन मे हैव नॉट बीन फुली मशीन एज द एक्सपेक्टेड, लीविंग मोर मटेरियल देन द स्पेसिफाइड थिकनेस। वो कह रहा कहीं कहीं पे मैं जो है मटेरियल नहीं काट पाया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी हम ये जो टॉलरेंस है इससे फर्क पड़ता। ठीक है, 50 माइक्रोन। अब जैसे मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया तो कोई बात नहीं है, हम इनको इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। इसके बाद मेरे को एक फिनिशिंग का टूल पाथ चलाना पड़ेगा। फिनिशिंग में यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेड टूल पाथ चला के देखते हैं कि क्या इसके ऊपर सही चलता है कि नहीं चलता। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट में स्पाइरल ऑन है, स्मूथिंग भी ऑन है। अब की बार जो टूल हम यूज करेंगे वो बॉल नोज का यूज करेंगे, 6 mm का। तो इसका नाम रख दो बॉल 6। टूल नंबर जो है इसका 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लूट इसमें 1 हो जाएगा। एडिट करके होल्डर भी दे सकते हैं। होल्डर देना क्यों जरूरी होता है? ताकि वेरीफाई कर सके, ब्लू टिक आ सके। ये ओवर हैंगिंग को भी हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं ताकि टूल अच्छे से अंदर जा सके। ठीक है, स्टेप ओवर। अब क्योंकि फिनिशिंग लास्ट फाइनल फिनिशिंग है तो हमने मटेरियल 0 कर दिया और स्टेप ओवर को भी हमने कम कर, टॉलरेंस को भी हमने 0.5 कर। ठीक है, ये कह रहा है शेलो एरिया जो फ्लैट एरिया है वहां पे स्टेप ओवर कितना रखना है और स्टीप एरिया में स्टेप ओवर कितना रखना, तो इसको भी कम कर दो। कैलकुलेट, ओके। ये सारी जगह देख लेगा, चाहे वो फ्लैट एरिया है, चाहे वो स्टीप एरिया है, शैलो एरिया है, सब जगह टूल पाथ चलाएगा और फाइनल फिनिश का ट्रेस बना देगा। ठीक है, सारी जगह चलेगी। इसको भी कैलकुलेट ही करते, राइट क्लिक करके यहां से भी कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा रफिंग का भी प्रोग्राम हो गया, फिनिशिंग का भी प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको क्लिम चलाना है, कन्वेंशनल चलाना है, वो भी हमारी मर्जी है।
या दोनों साइड चलाना है। ये जो ऑप्शन है क्लिम की, इसको क्लिम की जगह एनी कर देंगे तो थोड़ी सी लिफ्ट जो है वो कम हो जाएगी। लिफ्ट कम हो गई ना। अगर हम इसके ठीक अंदर सेटिंग में ये सेपरेट भी बंद कर दें, यूज सेपरेट शैलो स्टेप, तो सबका एक ही स्टेप ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फिनिशिंग का टूल चलता है। अब वो मैसेज भी नहीं आया जो पहले आ रहा था कि जी ओवरलैप कुछ मटेरियल में जगह मैं जा नहीं पा रहा, वो सब कुछ भी खत्म। इसकी सेटिंग में जाएंगे, अगर हम यहाँ पे लिंक्स में जाके देखें तो ये स्किम 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 हो रहा। इन्होंने ये विंडो को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया 24 में, पहले ये ऐसे उभरी हुई नहीं नजर आती। इसको स्टेप डाउन कर दिया मैंने फर्स्ट चॉइस को, ताकि वो स्किम की बजाय नीचे को ही जाए, हर बार 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 ऊपर को ना उठे। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो गया ना। अब देखो जो पहले यहाँ पे उठ रहा था सारी लाइनें, वो सब लाइनें खत्म हो गई। जी सर, यहाँ पे जो उठ रहे थे वो भी लाइनें खत्म। तो सर ठीक है, अब उसके बाद हम इन तीनों को राइट क्लिक करके स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं कि इसमें कितनी लिफ्ट है, कितनी देर का प्रोग्राम है, हवा में कितनी देर चला। ये ना लिफ्ट से मतलब नहीं है, कितनी देर चला हवा में उससे बहुत मतलब है। ओके फिर ये तीनों टूल पाथों का अगर मुझे एक साथ एनसी प्रोग्राम बनाना है तो टूल पाथ पे राइट क्लिक करके ऐड टू एनसी प्रोग्राम कर दो। अभी एनसी प्रोग्राम है नहीं कहता, तो पहले एक एनसी प्रोग्राम क्रिएट एनसी प्रोग्राम करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर, तो ये एनसी प्रोग्राम में चला गया। अब जाएगा टूल पाथ ऐड टू एनसी प्रोग्राम, जो एनसी प्रोग्राम एक्टिव होगा ये तीनों टूल पाथ उसके अंदर चलेंगे। अब अगर मैं जी कोड जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो तीनों टूल पाथ का, देखो यहाँ पे मैं सेटिंग में गया तो यहाँ पे तीनों टूल पाथ नजर आ रहे हैं, ठीक तो तीनों टूल पाथ का एक साथ प्रोग्राम बनेगा। हमारे को क्या करना है, हमारे को ब्राउज करना है। ये देखो ये विंडो में भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज ला दिया है। हमारे को पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट करना है कि कौन से पोस्ट प्रोसेसर पे मुझे जी कोड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फानुक कर लिया तो फानुक का प्रोग्राम बनने लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सीमेंस कर लिया तो सीमेंस का प्रोग्राम बनने लग। हमने कहा जी हमारे को फानुक का चाहिए, एक्सेप्ट है। कहाँ पे फाइल सेव करनी है वो जगह बता दो और फाइल का नाम बता दो। इसको लगा देते हैं 2024 का फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करूंगा तो तीनों प्रो टूल पाथ का प्रोग्राम जो है एक साथ जो है क्रिएट हो जाएगा।
मतलब मेरे को एक एक करके प्रोग्राम नहीं जनरेट करना पड़ा, तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं एक ही बार में जनरेट हो। ठीक हो गया। अब हम ऐसे, अब क्योंकि बार बार सिमुलेशन देखनी पड़ती है, तो हम यहां से स्टॉक मॉडल क्रिएट कर सकते। सर यहाँ जैसे मटेरियल कहाँ छोड़ते हैं सर, जैसे बोलते हैं सर रफिंग के लिए एक बार होता है सर, इसी के लिए किया जाता है सर। छोड़ तो रहे थे जब हमने रफिंग का टूल पाथ क्रिएट किया, तो ये थिकनेस छोड़ी ना, तो अच्छा ये वाला ये रफिंग के लिए ही छोड़ी। नहीं, वो नहीं सर कह रहा कुछ नहीं सुना, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही सही। सर।